दोस्तों कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं झंझारपुर मेडिकल कॉलेज को, और ये अभी तक कहां तक बना है इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहिए। ये देखिए यहां का मेन एंट्रेंस है, ये वाला रोड हॉस्पिटल तक जाता है। और ये रहा अपना मेन रोड, और ये रोड भी जो हॉस्पिटल तक जाएगी इसको भी 40 फीट चौड़ा किया जाना है, तो वो अभी बनना बाकी है। ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, और आगे चलकर आपको हम सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ का जो टेंडर है वो नागार्जुन कंपनी को दिया गया है, जो कि हैदराबाद की है। देखिए NCC लिमिटेड, और ये अभी तक 7 फ्लोर इसमें बन चुके हैं। देखिए आगे भी बन रहा है अभी। देखिए दोस्तों क्रेन सब लगाया गया है यहाँ पे कि ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग सब बन रहा है। चलिए और आगे चलकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक सब है, और इधर भी बिल्डिंग सब बन चुका है। टोटल 24 बिल्डिंग बनने जा रहा है, और 500 बेड का एक अस्पताल भी यहाँ पे रहेगा, और 100 सीट का कॉलेज भी यहाँ पे पढ़ाई भी होगी 100 सीट। दोस्तों टोटल 22 एकड़ में ये बन रहा है, और इसमें कुल लागत जो है वो 517 करोड़ की है, जिसमें केंद्र सरकार 150 करोड़ दे रही है और राज्य सरकार 365 करोड़। ये देखिए इसके ठीक सामने में ये अनुमंडल हॉस्पिटल है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इधर OPD बनेगा, देखिए दोस्तों ये पीछे में देखिए यहाँ पे ललित कर्पूरी स्टेडियम है, और यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन वाला सामान सब रखा हुआ है। दोस्तों ये स्टेडियम है, दोस्तों ये पूरा JMCH बनने का लक्ष्य 2023 तक है, इसीलिए काम बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है, और लगता है कि 2023 तक ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को हम दूर से ही इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जाके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ये हॉस्पिटल आने का दूसरा रास्ता है, जो कि इधर जेल की तरफ से है।